आज लाई हूँ मैं आपके साथ टूरिस्ट वीज़ा पर अपडेट। और टूरिस्ट वीज़ा जो होता है B1 B2 वीज़ा होता है, और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो बात करते हैं हम B1 B2 वीज़ा का क्या अपडेट आया है। चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है, आप टाइटल देख के समझ ही गए हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर नया अपडेट आया है, B1 B2 वीज़ा पर अपडेट आया है, तो उससे रिलेटेड जो है आज की वीडियो है। और अभी जो है स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो सोचा चलो आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। और यहाँ पर जो है अभी काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है और अभी जो है स्टार्ट हुआ है, तो ये आज शाम तक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए पीछे, और अभी जो है गिरना स्टार्ट ही हुई है, और अभी जो है बाहर का टेम्परेचर जो है -15 है। काफ़ी टाइम से लोगों के इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आ रहे थे, इवन यूट्यूब में भी कमेंट आ रहे थे कि मैम आपके वीडियोस नहीं आ रही, तो क्या? मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी इसलिए जो है मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, और कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियोज़ जो हैं आपको मिलते रहें देखने को। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ टूरिस्ट वीज़ा पर है। टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो है B1 B2 वीज़ा होता है, और काफ़ी अच्छा अपडेट आया है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। साथ ही आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी जो है स्क्रीन पर शो हो रही है, आप मुझे वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर क्या अपडेट आया है। टूरिस्ट वीज़ा पर जो अपडेट आया है काफ़ी अच्छा अपडेट आया है। काफ़ी लोग इस इंतज़ार में थे कि कब उनको स्लॉट्स मिले, कब उनको इंटरव्यू डेट मिले और कब वो जो है US आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को घूमने आना है, अपनी फैमिली से मिलने आना है, और काफ़ी लोगों के बच्चे जो है यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी लोग जो है इंतज़ार में है कि उनको जो है US आना है, लेकिन इंटरव्यू डेट नहीं मिल पा रही है, और इंटरव्यू डेट नहीं मिलेगी, अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिलेगी, तो US जो है आ नहीं पाएंगे। काफ़ी बैकलॉग आया हुआ था, जैसा कि आपको पता ही है कोविड आया हुआ था। और एक चीज़ अच्छी ये हुई थी कि जिनका भी रिसेंटली वीज़ा एक्सपायर हुआ है या 48 मंथ हुआ है एक्सपायर हुए, तो उनको जो है अब ड्रॉप बॉक्स मिलने लगा है। पहले जो है टूरिस्ट वीज़ा पे ड्रॉप बॉक्स नहीं था, लेकिन अब जो है ड्रॉप बॉक्स मिलने लगा है। तो अपडेट ये आया है कि टूरिस्ट वीज़ा के स्लॉट्स जो है अब वो ओपन होंगे फेब और मार्च में। अभी जो है 75% जो है स्टाफ एम्बेसी में काम कर रहा है, समर एंड तक जो है फुली स्टाफ काम करने लगेगा, और फेब और मार्च में काफ़ी ज़्यादा स्लॉट्स ओपन होंगे। और आप मॉनिटर करते रहें, चेक करते रहें, और क्योंकि अभी जैसे कि आज इंडिया में 30 जन हो गया है और आज ही मेरा ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो 2 डेज़ बाद ही फेब स्टार्ट होगा। फेब और मार्च में सबसे ज़्यादा स्लॉट्स ओपन होंगे, तो आप मॉनिटर करते रहें, चेक करते रहें, क्योंकि समर एंड तक पूरा स्टाफ जो है काम करने लगेगा। लास्ट ईयर 2022 में 8 लाख इंटरव्यूज़ हुए थे, जो कि सारे वीज़ा मिलाकर थे, उसमें आपका H1 आ गया, L1 आ गया, B1 B2 वीज़ा आ गया। लेकिन अभी जो है B1 B2 वीज़ा के लिए उन लोगों ने 2.5 लाख स्लॉट्स वो लोग ओपन करेंगे और 2.5 लाख लोगों के इंटरव्यूज़ होंगे, तो आप बस बने रहिएगा। और हाँ, एक और अपडेट ये था कि अभी जो है एम्बेसी में मंडे टू फ्राइडे तक ही एम्बेसी ओपन होता था, लेकिन ये एक चीज़ है कि सैटरडे भी अब एम्बेसी ओपन हो सकता है। अभी इसमें बात चल रही है, मे भी चांसेस है कि सैटरडे भी एम्बेसी ओपन रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्लॉट्स मिल सकते हैं। तो बस आप जो है चेक करते रहें, और यही एक अपडेट था। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फेब और मार्च में मॉनिटर करें, क्योंकि ये नहीं होगा कि फेब और मार्च की में ही डेट मिलेगा, लेकिन फेब और मार्च में स्लॉट्स ओपन होंगे, तो हो सकता है आपको 2023 एंड तक का 2024 के स्लॉट्स जो है आपको मिल जाए। तो फेब और मार्च में जो है काफ़ी ज़्यादा स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं। और बाहर देखिए स्नोफॉल जो है अभी बढ़ने लगा है। यही अपडेट था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।